नहमद हु और नसली आला रसूल करीम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्नात के हवाले से कि जिन्नात कौन है उनकी तारीफ क्या है और क्या जिन्नात का असर इंसानों की ज़िंदगी पर होता है जिन्नात का इंसानों के पास आना जाना ये हकीकत है इस हवाले से आज की वीडियो में बात होगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है इसी तरह जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें तो चलिए बात करते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है और जिन्नात का असर क्या इंसानों की ज़िंदगी पर होता है तो दोस्तों जिन्नात की जो तारीफ़ कुरान हदीस से हमें मालूम होती है वो ये है कि जिन्नात एक ऐसी नारी आग से बनी हुई मखलूक है जो मुख्तफ शक्लें अख्तियार करती है इनकी कोई एक मखसूस और मुतिन शक्ल नहीं होती बाकी जिस तरह इंसान जो है वो इबादत के और दीगर अहकाम के मुखलफ हैं जन्नत भी इसी तरह इबादत के और दीगर अहकाम के मुखलफ हैं अल्लाह कुरान में कहते हैं वमा खलक वबुदून तो जिन्होंस को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए पैदा किया अब जन्नत की मुख्तलिफ टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ें हैं बात ऐसे हैं जो मोमिन हैं नेक हैं इबादत गुजार हैं और बाज जिन्नात काफिर हैं और नाफरमान हैं अब उनमें में उन उन जिन्नात में उन काफिर जिन्नात में बाज सरकश जिन्नात हैं ये जिन्नात जो हैं ये शैतान इबलीस के मुआमिन और उन मददगार हैं और इंसानों को गुमराह करते हैं अब हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है और इस बात का एहतिक रखना जरूरी है कि जिन्नात का वजूद है बाकी दोस्तों जिन्नात को तफसीली पढ़ना जिन्नात के बारे में डीपली स्टडी करना इस बात के हम मुखलफ नहीं हैं हमसे इस बारे में नहीं पूछा जाएगा और ना ही ये जिन्नात के बारे में जानना यह कोई ईमानियात का मसला है कि इसके बगैर हमारे ईमान की तकमील नहीं होगी इसलिए जिन्नात के बारे में सिर्फ इतना एतक़ाद रखना कि इनका वजूद है इस क्र अर्ज़ पर यही काफ़ी है बाकी इनके बारे में तफसील से जानना ये ज़रूरी नहीं और जिन्नात का इंसानों के पास आना ये कुरान हदीस से और मुख्तलफ नसूस से साबित है और वाक़ ये है कि हर जमाने में हर जमाने में जन्ात का इंसानों को परेशान करना डराना सताना ये साबित है कई वाकत मिलते हैं हमें किताबों में कि जन्नात ने इंसानों को परेशान किया सताया तो दोस्तों जन्नत के बारे में इतना एहतिकात रखना ज़रूरी है कि इनका वजूद है बाकी तफसील से जानना हम इस बात के मुखलफ नहीं हैं बाकी अल्लाह रबुल्ज़त ने इंसानों की आजमाइश के लिए जन्ात को इतनी कुदरत दे रखी है इतनी ताकत दे रखी है कि वह मुख्तलिफ तसरफ करके इंसान की जिंदगी पर असरंदाज होते हैं इंसानों की जिंदगियों पर असर होते हैं हमने जो शुरू में बात की कि क्या इंसानों की जिंदगियों पर जिन्नात का कोई असर होता है बिल्कुल होता है हकीकत है मुख्तलिफ तसरफ करके ये इंसानों की जिंदगियों पर असरंदाज होते हैं और ये बात कुरान और हदीस से और मुख्तफ नसुस से साबित है क्योंकि जन्नत को अल्लाह तला ने यह कुदरत अता कर रखी है कि वह इंसान पर मुसलत हो जाते हैं किसी इंसान पर जन्नत का तसल्लुत हासिल करना ये कोई मुश्किल बात नहीं है जन्ात इंसान के जिस्म पर तसल्लुत भी हासिल कर लेते हैं और उससे उस शख्स का मगलूब हो जाना ये कोई बेद बात नहीं है कोई हैरानगी की बात नहीं है ऐसा होता आया है और अब भी होता है कि जन्नत इंसान पर हावी हो जाते हैं इंसान पर मुसलत हो जाते हैं उसको परेशान करते हैं डराते हैं सताते हैं तो ये बात तो साबित है जन्नात जो है वो इंसान के जिसम पर तसलुत जो है वो अख्तियार कर लेते हैं हावी हो जाते हैं और इंसानों को परेशान करते हैं डराते हैं और इंसानों के पास जन्ात का आना जाना ये बहुत कसरत से है कई वाकत जो है वो आप लोग सुनते हैं कि फला के ऊपर जन्नात के असर हो गए तो इस पर फिर मुख्तफ जो है वह आमलिन के पास लोग जाते हैं इसी तरह जन्नात की तस्खीर जो है यह भी मुमकिन है इनसे बचाव के लिए इसकी गुंजाइश है बाज लोग जन्नत को मुसर करते हैं उनकी तस्खीर जो है ये मुमकिन है और बाज़मीन जो है वो ये काम भी करते हैं लिहाजा शरण इस बात की गुंजाइश भी है अब खुद रसूल सल्ला वम की ज़िंदगी से हमें ये बात पता चलती है कि आप सल्ला वम ने भी जन्नत के वाक़ जो है वो सुनाए हैं और आप सल्ला वबीला उज़रा के एक शख्स का वाक़ जो है लोगों को सुनाया जिसका नाम खुराफा था और ये ऐसा शख्स था जिसको जन्नात उठा कर ले गए थे और जन्नात के पास कई अरस तक ये शख्स रहा उन्हीं के दरम्यान मुकीम रहा फिर जन्नात ही इस शख्स को वापस इंसानों की बस्ती में छोड़ गए तो जब ये शख्स खुराफा वापस आया हजूर ने यह वाक़ सुनाया है कि खुराफा नामी शख्स जब वा, वापस आया तो लोगों को अजीब व गरीब वाक़ात सुनाया करता था जन्नात के इसलिए जब भी कोई अजीब बात लोग सुनते और अजीब वाक़ सुनते तो उसको खुराफा की तरफ मनसूब कर देते कहते ये ख़ुराफा का वाक़ है तो रसूल भी इस खुराफा शख़्स का वाक़ लोगों को सुनाया लोगों के सामने बयान किया इसी तरह आप सल्ह्ल वसम से रवायात में मिलता है कि जिन उतारने का भी जो है वाक़ मिलता है उम अबान जो है ये अपने वालद से रिवायत करती हैं कि उनके जो दादा थे वो रसूल सल्ला वम के पास रावी को शक है कि अपने बेटे या बेटी अपने बेटे या भतीजे में से किसी को लेकर गए जो कि मजनून था अब मजनून का माना यहाँ पर या तो पागल है या तो जिन जदा है उनको लेकर गए और कहा कि अल्लाह के नबी इनके लिए दुआ कर दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको मेरे पास ले आओ जब वो उनके पास गए उनको लेकर गए तो आप ने कहा इनको मेरे करीब कर दो और इनकी पुश्त मेरी तरफ कर दो चुनाचे ऐसे ही किया रसूल की तरफ उनकी पुशत की गई तो आप ने उनके बेटे या भतीजे की पुश्त से कपड़ा पकड़कर वहां पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और कहा कि ए दुश्मन खुदा निकल ए दुश्मन खुदा निकल ने ये कलिमात कहे मारते जाते थे और ये क़लिमात कहते जाते थे कि ए दुश्मन खुदा निकल थोड़ी देर बाद देखा कि वो जो है वो मजनून जिनके बारे में कहा कि ये जिन जदा हैं या पागल हैं वो तंदुरुस्त हो गए उनको उनके ऊपर जिन्नात का असर था तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले कह रहे थे ए दुश्मन खुदा निकल ए दुश्मन खुदा निकल और मारते जाते थे और ये कहते जाते थे तो थोड़ी देर बाद वो जवान जो है वो तंदुरुस्त हो गया ठीक हो गया तो यहाँ से ये बात मालूम होती है कि जिन्नात इंसान के जिस्म पर तसलु भी करते हैं इंसान के जिसम में दाखिल जो हो जाते हैं हलूल कर जाते हैं और फिर इंसान की रगों में जो है वो खून की तरह दौड़ते भी हैं तो ये कोई बीद बात नहीं है जन्नात के इंसानों के पास आना जाना साबित है कुरान हदीस से मुख्तलिफ नसूस से ये बात साबित है तो आज की इस वीडियो में हमने ये बात की कि जन्नात कौन हैं कैसी मखलूक़ हैं और क्या इंसानों की ऊपर उ... इनका कोई असर है इंसानों की ज़िंदगी पर इनका कोई असर होता है तो यकीन दोस्तों इनका असर इंसानों की ज़िंदियों पर होता है हमें चाहिए कि हम अपना हिसार करके रखें कुरान हदीस में बहुत सी दुआएँ सिखलाई गई हैं कुर्सी सिखलाई गई है और दीगर बहुत सी दुआएं हैं जिनसे इंसान अल्लाह की पनाह मांगता है कि अल्लाह हमें शैतान के शर से और के शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा इन दुआओं का अहतमाम किया जाए और अपने आप को महफूज़ किया जाए अपने अहल ख़ाना को महफूज किया जाए और कोशिश ये की जाए कि मगरब के बाद छोटे बच्चों को जो है वह घर से बाहर न निकलने दिया जाए क्योंकि उस वक्त शैतान और जन्ात और इनके जितने टोले हैं उनकी आमदोरफ्त शुरू हो जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं एक नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़